ऑलरेडी हमारे जनरल असद दुरानी साहब भी, परवेज़ मुशरफ साहब ने भी, और उसके बाद यानी कि हमारे खान साहब जो लाडला साहब हैं उन्होंने भी बयान दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये नवाज़ शरीफ ने गलत कहा हुआ है तो पहले इन लोगों को भी कटहरे में ला के पूछना चाहिए और वही सज़ा नवाज़ शरीफ को देनी चाहिए जो इन लोगों को दी जाए। रहमान मलिक साहब का भी स्टेटमेंट है, आपको याद होगा कि जो लोग वहाँ इन्वॉल्व थे हमने वो अरेस्ट किए हुए हैं और हमारे पास मौजूद हैं। तो अब रहमान मलिक साहब जो बयान दे रहे हैं इस वक्त वो अजीबोगरीब है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम को अभी जो है ना, और हम लोगों को समझना चाहिए कि इशू क्या है, या तो कहें कि पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं, मामलात नहीं हैं, तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर इस बयान से क्या होगा। ऑलरेडी हमारी कौन सी दुनिया जो पाकिस्तान को मानती है या इसके ऊपर ट्रस्ट करती है, मुझे बताया ना कौन सा कंट्री है। अमेरिका को हमने 70 साल से उसको फॉलो कर रहे हैं, हमारे ऊपर वो क्या ट्रस्ट करता है, बाकी को छोड़ देते हैं, इंडिया को छोड़ देते हैं। अभी इस इशू से क्या होगा जो नहीं हुआ था, मुझे बताया ना पाकिस्तान का क्या रद्दमल हो गया इसके ऊपर, कि इस बयान के ऊपर पाकिस्तान सारा कुछ हो गया जो ऑलरेडी हो नहीं रहा। शमसी एयरबेस आपके सारे एयरबेस अमेरिका के पास थे, तो वो इशू नहीं था, मुल्क की सलामती थी ना वो भी, तो उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। जो अगर वो ऐसे मामला हो सकते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब अमेरिका में दुबई में बैठ के बयान दे रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, उनके बयान से क्या मुल्क की सलामती को ख़तरा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को, ये इशू डेफिनेटली मीडिया के लिए तो है एक, मगर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। पाकिस्तानी कौम बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर है, इस बयान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी मियाँ साहब, जो पाकिस्तान के बारे में ऐसा बात किया, पहले तो उसको सोच समझ के एक कदम उठाना चाहिए। एक सियासी लीडर है, अवामी लीडर है, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिम्मेदार वजीर आजम 3-4 बार है मुल्क का, अगर फिर इसने किए तो इसको फिलफोर अपना बात वापस लेना चाहिए। और ये हमारा पाकिस्तान इदारों के लिए बहुत एक अहम कदम है, और पहुँच कहाँ कहाँ जाए अगर ये इस तरह हमारा जो लाजिस है, हमारा जो पार्लियामेंट है, ये क्या कर रहे हैं इस वक्त। अगर हर काम पहुँच संभाले, इसके पीछे पर पहुँच भागे, तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब मैं समझूँगा। इसके ऊपर आया अदालत है, इसको गिरफ्तार करे, अगर अपना बात वापस नहीं ले रहे तो बहुत अच्छा काम होगा।